बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आए, दो तीन बातें आपसे करनी थी जो ऑलरेडी आप जानते हैं, मगर मेरा दिल करता था कि आपसे बात कर लूँ इन दो तीन बातों पे। एक तो इशू था ये विलेज डिफेंस कमेटीज़ का, मुझे लगता है जिस तरीके से वो हाईलाइट होना चाहिए था उस तरीके से हाईलाइट हुआ नहीं। हालांकि हमारी प्रेसिडेंट महबूबा जी ने जैसे वो हर सिचुएशन पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है, उन्होंने किया था। ये जो VDC विलेज डिफेंस कमेटीज़ का मसला है, आपको याद होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी 90s में, और शायद स्ट्रेच था सिक्योरिटी जो यहाँ का ग्रिड है वो स्ट्रेच था, तो इसलिए वहाँ पे खासकर अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में सिविलियंस को भी आर्म किया गया। मगर उसके बाद नेचुरली जब आप अनयूनिफॉर्म लोगों को आर्म्स देंगे तो काफ़ी एलिगेशंस आई कि हैरेसमेंट हो रहा है, बल्कि उनके खिलाफ FIRs भी लॉज हुए। उसके बाद ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल वो हो गया, और जैसे गवर्नमेंट का इस वक्त भी दावा है कि हालात बिल्कुल ठीक है। अभी मैं एक आर्मी ऑफिसर का सुन रहा था, वो कह रहे थे हर पैरामीटर से जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं नॉर्मल हैं। अगर ऐसा है, होगा भी, क्योंकि वो कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, तो फिर अब विलेज डिफेंस कमिटीज़ को अपग्रेड करके अब उनको विलेज डिफेंस गार्ड्स कहा जाएगा, और उनके जो 4000 पर्क्स 400 थे वो आप 4000 देंगे पर मंथ, और जिनके 700 थे उनके 4500 पर मंथ। अब आप जब अनयूनिफॉर्म्ड लोगों को आर्म्स एम्यूनिशंस देंगे, ये जो यूनिफॉर्म में होते हैं उनको वो यूनिफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है, रेस्ट्रेन भी करती है। वो 10 बार सोचते हैं कि हमने यूनिफॉर्म पहनी है, इसलिए इन आर्म्स जो हमारे हाथ में हैं इसका मिसयूज़ और अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा आपको, पहले भी हुआ था। अब ऐसा क्यों किया गया, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को दे ओइ टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि बता दें इस बात की ज़रूरत क्यों पड़े। अगर ज़रूरत है तो बाकी जगहों पे आप रोज़ देख रहे हैं हमारे पंच जो इलेक्टेड हैं, सरपंच जो इलेक्टेड हैं, DDC मेंबर्स जो इलेक्टेड हैं, जब से वो इलेक्ट हो गए बेचारे वो अपने एरियाज़ में नहीं जा सकते, वो लोगों नहीं मिल सकते, उनको मारा जा रहा है, उनकी किलिंग्स हो रही है, और या तो वो हाइडिंग में हैं या उनका पॉसिबल नहीं है कि वो लोगों से मिले और वो मारे जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो उनको भी फिर इसी तरीके से उनकी भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि हम रोज़ सुनते हैं पंच मारे गए, सरपंच मारे गए, और हर पार्टी के, वो PDP हो, NC हो, कांग्रेस हो, इवन BJP के हो। तो ये कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही, इससे शक शुभात लोगों के दिलों में होते हैं, और मुझे लगता है गवर्नमेंट ओज इट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि वो एक्सप्लेन करें इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, और वो पंच और सरपंच जो मारे जाते हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। एक तो ये बात थी। दूसरी बात, जैसे हमारी प्रेसिडेंट महबूबा जी ने ऑलरेडी कहा था कि ये डिलिमिटेशन कमीशन आई वॉश है, अब देख लीजिए हमारे पास 5 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इस वक्त सिर्फ 5 MPs हैं, उनको जो इंटरिम रिपोर्ट दी गई उन्होंने जो ऑब्जेक्शंस दे दिए। अब देखिए वो ऊपर से तो नया आए हैं, वो तो इलेक्ट होके आए हैं, तो मेरे ख्याल में डिलिमिटेशन कमीशन को एक्सप्लेन करना चाहिए उन्होंने जो एतराज़ात दिए थे क्या उनमें से उन्होंने करेक्ट किए। अगर आप कश्मीर रीजन पे नज़र दौड़ाएंगे तो मेरे ख्याल में हबकदल का नाम वापस हबकदल रखा गया, हालांकि पहले ही एक नाम था जो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ था, हब खातून के नाम पे था। ये एक ऑब्जेक्ट, मतलब पहले तो समझ में नहीं आता कि नाम क्यों बदल दिया था, और दूसरा जी मुग़ल मैदान नहीं, उसका वापस इंद्रवाल होगा। अगर ये उनका माइंड है कि इस तरीके से ऑब्जेक्शंस दूर किए जाते हैं, तो उसके बाद जब वो पब्लिक डोमेन में रखेंगे और पब्लिक से ऑब्जेक्शंस लेंगे, ये लगता है एक फॉर्मेलिटी है। और इससे जो इतना इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है डिलिमिटेशन कमीशन का, मेरे ख्याल में उनको लोगों को बताना चाहिए कि हमने किस बेसिस पे किया, किन क्राइटेरियाज़ पे किया,
और क्यों सिर्फ ये ऑब्जेक्शन, सो कॉल्ड ऑब्जेक्शन मान लिए, बाकी जो मेन ऑब्जेक्शन थे उनको एड्रेस क्यों नहीं किया? अब सुचीतगढ़ ठीक है, अगर लोग वहाँ चाहते थे कि ये ऐसा ना हो वो ठीक है, बाकी भी एतराज़ थे, अगर उनके नहीं माने गए तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी लोग उनके क्या मानेंगे। इसलिए मेरा मेरे बात करने का ये आज था कि आपसे मैं इन दो इश्यूज़ पे खासकर बात कर लूँ। बेग साहब, क्या आपको ये लगता है कि ये इलेक्शन रिलेटेड भी हो सकता है? कुछ जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हथियार दिए जा रहे हैं, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस उनका उस उन एरिया पर।